दोस्तों, आलू की सब्ज़ी किसे नहीं भाती, सभी को भाती है। लेकिन हाँ, आलू से बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा सा अलग तरीके से आज आलू की सब्ज़ी लेके आई हूँ। थोड़ा ज़्यादा हींग डाल के मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी, और उबले हुए आलू की सब्ज़ी है, पूरी के साथ में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई के अंदर मैंने घी लिया है। घी को गर्म होने देते हैं और उसके अंदर हम हमारे जो तड़के के मसाले हैं, फ़ौरन मसाले, वो डालेंगे, जिसके अंदर मेथी है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हम इसके साथ में राई मिला लेंगे। इन तीनों मसालों को अच्छी तरह से हमें तड़कने देना है। तीनों मसालों को अच्छे से तड़कने देना है, उसी के बाद हमें आगे बढ़ना है। ये कच्चे दाने मुंह में अच्छे नहीं लगेंगे। एक मैंने यहाँ बड़ी इलायची डाली है और छोटे से दो तेज पत्ते डाले हैं। आप चाहें तो ये सब्ज़ी तेल में भी बना सकते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हींग डालना ज़रूरी है। अब इसके अंदर आधा इंच अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा कूट के मैंने डाल लिया है। इससे सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। एक हरी मिर्ची को बारीक काट ली थी, वो भी मैंने इसी तड़के में मिला ली है। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद में दो बड़े टमाटर को मैंने पीस लिया था और उसे इसके अंदर मिला लिया है। अब इन टमाटर को हमें पकाना है। इसका पानी हमें सुखा लेना है। इसमें लगभग 2-3 मिनट का समय लगेगा। पहले थोड़ी देर मीडियम आंच पर और फिर तेज आंच पर हमें इसे पकाना है। टमाटर का पानी जब सूखने लग जाए तब हम इसके अंदर मसाले मिलाने हैं। तो हम इसमें मसाले मिलाएंगे तो वही 4 मसाले जो मैं हमेशा कहती हूँ। लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाएंगे, धनिया पाउडर मिलाएंगे और स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। अगर आपने आलू उबालते समय नमक डाला है तो यहाँ नमक थोड़ा सा आप कम डालें। और जो मैंने धनिया पाउडर डाला है उसकी जगह आप मोटा कूटा धनिया और सौंफ भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब हमारी ग्रेवी पक गई है, पानी पूरी तरह से सूख गया है। तो यहाँ मैंने 4 से 5 आलू लिए थे जिन्हें उबाला था, और छीलने के बाद में इस तरह से मैंने इसके टुकड़े कर लिए थे। तो ये हम हल्के हाथों से मिक्स करके ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से लिपटा लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और आवश्यकता अनुसार हमें इसके अंदर अब पानी मिलाना है, क्योंकि ये झोल वाली सब्जी है, इसमें पानी ज़रूरी है। पूड़ी पराठे के साथ में खाने के लिए ये सब्ज़ी में थोड़ा सा रसा होना ज़रूरी है। तो पानी थोड़ा सा आप ज़्यादा रखें, क्योंकि जैसे जैसे पकेगा ये गाढ़ा होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 गिलास पानी मिलाया है, देखिए आप देख ही रहे हैं। और अब यहाँ पर 1 आलू मैंने बचा लिया था, उस आलू को मैं यहाँ पर मैश करके इसमें मिला रही हूँ। इससे जो सब्ज़ी का जो ये रसा है वो अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। और ढक्कन लगा के हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाना है। क्योंकि हमने आलू मैश करके डाला है तो इससे इसका जो रसा है वो अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाएगी, पानी जैसा एकदम से नहीं लगेगा इसके अंदर। देखिए बढ़िया उबाल आ गया है और काफ़ी सब्ज़ी गाढ़ी हो गई है, और जैसे ठंडी होगी ये थोड़ी और गाढ़ी होगी। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट ऐसे बन के तैयार ही हो गई है। इसके अंदर अब मैं 1 बड़ा चम्मच दही का मिला रही हूँ। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना लेंगे तो अच्छा है। अगर आपको खट्टी सब्ज़ी खानी है तो आप खट्टा दही बेशक मिला सकते हैं। अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है और 2-3 मिनट बस और उबाल दिया है। तो इस तरीके से हमारी ये हींग वाले आलू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। मैंने थोड़ा हरा धनिया और मिलाया है, और आप इसमें पुदीना, फ्रेश पुदीने पत्ते भी मिलाइए, ये बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो इस तरह से देखिए सब्ज़ी मैं सर्व कर रही हूँ, और आज मैंने साथ में पूरी बनाई थी, तो ये सब्ज़ी आज हमने पूरी के साथ में खाई। आप भी बना के देखिएगा। चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नए वीडियो देखने के लिए ज़रूर आते रहिएगा। देखिए इस तरह से मैंने थाली बनाई थी, कैसी लगी बताना। थैंक यू सो मच।